लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से जकड़ लो उसको और तेजी से। जकड़ो उसको और तेजी से। जकड़ लो उसको और तेजी से। एक उंगली से लगाओ खाली इतर, वो उत्ता कहीं पूरा वो कर दे रहे, भरा दे रहे। जकड़ लो उसको और तेजी से। अब जला के राख करेंगे उसे, लगा पूरे ताकत तेजी से। नहीं, जकड़ लो उसको। नहीं नहीं, मैं अब काट दूंगा उसके वो हाथ पीता सब, दो चार टुकड़े कर दूंगा उसके। नहीं, हाँ जकड़ो उसको और तेजी से। लगा, पूरी ताकत लगा, मुझे चीख मार के बता कितनी ताकत है तेरी। तो ये सब लोगों को सुना चीख मार के कितनी ताकत है तेरी। जल्दी ना तो मैं काट दूंगा। लगा पूरी ताकत, चीख मार जल्दी एक। लगा पूरी ताकत, जोर से। हाँ नहीं, जोर से। नहीं नहीं, जोर से। नहीं और जोर से। नहीं, जोर से। अरे नहीं भाई, जोर से। नहीं, जोर से। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। इधर से बड़ो पीछे से। हाँ झगड़ा और तेज से। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। जोर से, पूरी ताकत लगा, कितनी है तो तेरी ना लाया। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लगा के बैठो, मास्क का मुंह कपड़े कैमरे चालू, बाद में बोलना नहीं मेरी गुफी। हाँ जकड़ लो और तेजी से। इसके क्या करेंगे, इसके टुकड़े करके इसको बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देंगे। बोल, गाड़ दूं? जोर से बोल, सुने आना मुझे। नहीं भाई। हाँ नहीं, जकड़ लो उसको और तेजी से, उसको जकड़ो और उसको मार दे अंदर से जकड़ के तेजी के साथ में। नहीं नहीं, जोर से फिर आवाज लगा। नहीं भाई, जोर से। नहीं भाई, जोर से। नहीं भाई, जोर से। नहीं भाई, शैतान है तो कितनी ताकत है, जोर से बता के लगा के। नहीं भाई, तेरे हाथ तोड़ दूंगा दोनों। नहीं भाई, हाँ जोर से। मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो, सुना? हाँ जकड़ लो उसको और तेजी से। भाई मैं क्या करी हूँ मैं तेरे लिए, सुना भाई, मेरा क्यों ऐसा इंसाफ नहीं क्यों कर रहे, बताओ भाई। बताओ मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो। क्यों उसके आंख पे जाके तू परेशान कर रही, कौन है तू? औरत आदमी है? नहीं भाई, मर्याला है, जिन्नात है, कौन है? नहीं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से आया था तू? सही से बोलना तो तेरे हाथ काट देता हूँ, कैसा मारने लगा तू। जकड़ लो उसको और तेज साथ में, जकड़ लो उसको और तेजी से जकड़ो। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं समझ रहा। हाँ जाने नहीं देते भाई साहब, जकड़ लो पूरी ताकत से, जकड़ लो तेज साथ में। मेरा क्या, मैं क्या करूंगी भाई, मेरे क्यों तकलीफ दे रहा? नहीं छोड़ दे तुझे, अब तुझे तो पूरा मार के खत्म कर दे। मुझे मत तकलीफ दे भाई। क्या नाम है? सलमा अभी को क्यों तकलीफ दे रहे तेरे नालायक को? हाँ सलमा को कब मारने आते? हाँ कब मारने आते सलमा को? मारो उसको और मारो, जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं देंगे उसको मारते रहो, और उसको जकड़ के मारो उसको। नहीं भाई, क्या समझा था उन्हें, क्या समझ के तकलीफ दे रही सब नालायक? हाँ किसकी मनमानिया कर रहे नो, किसके राज में किसकी मनमानिया चल रही? खूब मारो उनको जकड़ के। जलाओ जलाओ जलाओ, कुत्ते से चलाओ। जलाओ और तेज से, भड़काओ उसके अंदर आग, भड़काओ। मुझे कुछ नहीं समझ रहा भाई, तेज से आग भड़काओ। बता सलमा को कब मारने वाले थे? सलमा भी को कब मारने वाले थे?
भाई मुझे क्यों इतने तकलीफ दे रहे हो, मैं क्या गुनाह करी हूँ बताओ भाई, मेरा क्यों इंसाफ नहीं कर रहा मुझे बताओ, मुझे क्यों ऐसा कर रहा है मुझे बताओ भाई, मैं क्या करूंगी आपको भाई बताओ। नहीं छोड़ते हम पूरा मार के भस्म करा देंगे अगर क्या बोलते तो, किसी को बेगुनाहों को जुल्म देने लगे तो। हाँ गलत बात है ना, ऐसा कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कौन लाया था, वो औरत थी, आदमी था, नाम नहीं पूछा मैं, सिर्फ शनाख्त पूछा। हाँ भाई मैं धोने गई थी। हाँ कौन क्या है कि घर पे सोई थी भाई। कौन गई थी? सलमा गई थी। हाँ सलमा भी गई थी धोने। हाँ उस घड़िया के हाँ बेटे के साथ खाना खा ली अंडे से। हाँ थोड़ी देर के बाद मैं लेटी, लेट के मैं थोड़ी देर, मेरी घर में टीवी लगी थी, मैं थोड़ी देर देख ली। थोड़ी देर देख लेने के बाद मेरी लड़की आ गई, मैं पलट के देख ली तो मेरा आंखों में पूरी रात भड़क गए। मुझे कुछ नहीं समझा कि मुझे बात करने की होश नहीं थी भाई। मेरा बच्चा मेरा घबरा पड़ गया, फिर मुझे लेके चले गए। सलमा भी को कभी मिला खिलाए? देखो भाई किस चीज में मिला के खिलाए थे, किस चीज में, जादू कैसा चला है? जादू चलाते वक्त सलमा बी का क्या लेके गए थे, कपड़ा, बाल, मट्टी, चप्पल क्या लिए थे, क्या लिए थे? जकड़ लो उसको और तेज जकड़ के रखो उसको। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं क्या बताऊं बताओ, कैसा क्या गया, मुझे कैसा क्या समझेंगे, मेरे को मैं क्या बताऊं आपको, मैं सच सच पूरी बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं है समझ रहा। मुझे बोलो भाई मैं कैसे करूं बताओ। छोड़ते तो नहीं तो पूरा मार मार के खत्म कर देते फिर हम। मेरा तो क्या है कहना, मुझे कुछ समझ रहा नहीं कि मुझे कुछ नहीं बोले जा रहा है। तुझे लाए थे कहाँ से वो जवाब दे तुम्हें को पहले, शमशान से, कब्रिस्तान से? मैं तो उधर ही था शमशान घाट भाई। कहाँ पे था? तालाब के पास में। जोर से बोल। मैं जोर से बोल रही हूँ कि तालाब के पास में है शमशान घाट। अच्छा तो मैं जलाते भाई। तो औरत है तो आदमी है मरे वाला? अरे मरे वाली औरत ही आदमी है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा भाई। सही बोल। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं समझ रहा। फिर तुझे कब्रिस्तान से लाए पकड़ के? नहीं शमशान से लाए। सही बोल, सही बोल, पूरा काट दूंगा, पूरा काट के पसंद कर दूंगा जल्दी। हाँ कहाँ से लाए थे? डालू जंजीरा बन के डाल दूं? नहीं भाई। चलो उसको जकड़ो, तेजी जकड़ लो। भाई मुझे कुछ समझ रहा नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती। शमशान से लाए थे? तुझे कब्रिस्तान से लाए थे? मुझे कुछ समझ रहा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। ठीक है चलो इसको बन के डालो, इसके बहुत हो गए मनमान यहाँ, इसका मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और इसको जंजीरें डाल के बन के डाल दो आज रात 12 बजे के बाद से। इन्हें एक एक बात बयान करना मुझे आके, कौन डाले थे, कहां से लाए थे, कितने लोग थे, किसने जादू टोना करा, क्यों करा था, किस चीज में मिला खिलाए थे, क्या थी, सारी दास्तान याद करके आके सुनाना मुझे दूसरे चक्कर तक, नालायक में, जब तक इसको बन के डाल के रख के मारते रहो इसको। और बाद में दूसरी चक्कर में ये नहीं सुनूंगा मैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, दो मिनट में चार पांच टुकड़ करके बाहर टंगाने लगा दूंगा, कम बखत नालायक। और इस कब मारने का हुक्म दिया था इसको अम्मास में, पुन्नम में, हाँ कितना टाइम बचा था उसको मारने के लिए, कितना? अरे कितना? मुझे कुछ नहीं समझ रहा भाई। पत्ते को भेज दिया और तू आ गई मारने के लिए उसको, वारे बंद कर डालो इसको। कितने बार हाजिर हुआ इनके आंखों पहले? कभी एक बार भी नहीं हुआ। कहाँ कहाँ बताए थे? दवा का नहीं बताए थे, और कुछ दो तीन मुसलमान थे, एक हिंदू के पास बताया, वो भी अपने वलियों के ऊपर देखते हूँ। सबको नहीं आता था, कहीं हाजिर हुआ इससे पहले? नहीं सिर्फ चक्कर कर रहा था यहाँ का ना, बोली चक्कर में। कितने चक्कर हुए तुम्हारे यहाँ पे? हमारे पास फर्स्ट टाइम। जोर से बोलो, फर्स्ट टाइम हाजिर होगा? फर्स्ट टाइम देख लिया ना सामने क्या है, तो अधर था वो, उन्होंने समझ रहे थे चक्कर वक्कर का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ बीमारी उमारी चल रही थी, जो भी दास्तान है देखो सामने आते चल रहा तुमसे वो आगा और आगे उसको पकड़ ली, मगर वो अभी क्या बोल रहा कि मैं हो सकता उसको अपनी चालबाजा कर रहा हूँ मैंने पहले चक्कर में, जैसा नाम नहीं बताना चाह रहा, अभी उसको जरा ताकत बताइए ना क्या रहती, कैसा मारते उसको, जब उसको मार मार के चिंदिया करेंगे तो दूसरे बार में जब आएंगे उन्होंने मेरे सामने फिर सब बयान करेगा।
कौन डाले थे, अभी भी पूछता था मैं, मगर अभी उसको कैसा है मौका देंगे ना, जब उन्हें खुद मुंह से मांगा कि मौका की कुछ याद नहीं है उसको, कुछ पता नहीं आ गया उन्हें बस ऐसा मोकाट मोकाट बैल के फिरता ना जानवर वैसा जानवर को फिर रहा है मोकाट बन के, अरे जो भी मिल गया इंसान उनको मारने को, कौन सा नदी के घाट से कहाँ से आया क्या आया बोल रहा हूँ, तो आगे उससे तब तफसील में खुलासा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो सरसरी मुकाबला होगा, अभी तो बता दिया ना मैंने टेम्परेचर जितना बताना होता कि बीमारी बीमारी समझ रहे फिर क्या अल्लाह के बोलते हैं दुआ पढ़ते सामने आ जाते वैसे बन लेकर यहाँ जरूर नहीं नहीं। चलो बाकी आगे तो पूरी दास्तान बताऊंगा, मेरे को सब पता बताऊंगा कि मेरे मुंह से क्या बयान करूं मैं, बयान करके मेरी जबानी कौन सुन के क्या मानेगा, इसलिए तुम्हारी जबानी तुमको ही बता देता हूँ सारी दास्तान जो भी अल्लाह को तुमसे कि कुदरत का मौजज़ा है कुदरत का निज़ाम है, मगर ये सब ऐसा समझना नहीं कि मनमाने हमारे चल दुनिया में हम ऐसा करेंगे, अरे ये सब अल्लाह का निज़ाम चलता है और अल्लाह ने उस जाल बुनियाद चुनिंदा बंदों को बिठा रखा था उनके हाथ में अलग अलग पावर दिया जा रही ताकत रहती, मतलब बहुत बड़ा निज़ाम है तुम लोगों को मालूम है खाली चंदे लोग दुनिया में, इसलिए तो ऐसा हरकत कर रहे थे और शैतान जहाँ पना मांग रहा हूँ अल्लाह का निज़ाम कैसा होगा ये भी सोच रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे लोग खाली इबादत की रस्सी मजबूत इस तरह इबादत करना नमाज पढ़ना पाँच वक्त की कुरान हदीस ये सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना, और बाकी कोई इलाज वाला है कोई इलाज नहीं आता करने सब के कम भाग्या करते जमाने कम बख्ता ना लाया था, इबादत की रस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा थामना और अल्लाह वालों के पास जाना सिर्फ वही कर सकते क्योंकि रहमत जहाँ बरसती वहीं फैज मिलता और रहमत सिर्फ अल्लाह वालों के पास बरसती, जादूगरों के मुनाफिकों के मुशरिकों के पास नहीं बरसती, समझ गया ना। चलो अल्लाह का इन्हें सुनने ज़्यादा तुम लोगों को अमल करनी करते, और दूसरी बात जिस पे बीतती उसको ही पता चलता, दर्द जिसको होता जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता, जिस पे बीतती उसको ही पता चलता, दूसरे तो बैठ के मजे लेते बोलते ऐसा थोड़ी, और जिस दिन जिन मजे लेने वालों पे बीतती तो फिर उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती, समझ में नहीं आता कहाँ जाना और ये कहाँ जाके इलाज करना, पेट दुखा दवा गोली लेने को जा सकते हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से मेडिकल ले सकते हर चीज, कौन सी प्रॉब्लम को हर चीज का हो रहा था बाहर, तुमको शॉप मिलती दुकान मिलती मेडिकल मिलती फार्मेसी मिलती सब मिलता, लेकिन ये निकालने वाले दुनिया में बहुत कम रखे ना अल्लाह ने चुनिंदा बंदे रखे ने, फिर तुम आपको वो दर मिलने तक तुम बहुत तबाह बर्बाद होगे, लास्ट में मिलता फिर वो दर जब तुमको फैज देना है जब अल्लाह भेजता, और एक बात याद रखना कभी भी अल्लाह का आजाब खुद पे नाजिल नहीं होते ना, अगर अल्लाह का आजाब नाजिल होगा तो ना फिर वहाँ दुआ काम करती ना फिर वहाँ दवा काम करती, आजाब इलाही सबसे खतरनाक होता है, आजाब इलाही से बचना बार बार हरकतें करेंगे बेअदबी करेंगे आजाब इलाही नाजिल होगा तो आजाब इलाही से तो कोई बच नहीं सकता, आजाब इलाही तुम तो कब नाजिल होगा जब तुम इबादत की रस्सी को छोड़ दोगे तो फिर तुम आजाब के दलदल में खुद जाके डूब जाएंगे, इस वास्ते बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम कर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह तुमको अमल करने की तौफीक दे। बैठा लो कौन है, चलो हाँ रोज।